नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में अपने लाइव क्लासेस की कुछ रिकॉर्डिंग्स अपलोड करता हूं डेटेड और हर दिन हम कुछ वीडियोज अपने जो लाइव क्लासेस में कंडक्ट करता हूँ उस क्लासेस की जो है हम आपको वीडियोज यूट्यूब पे डालते हैं। तो आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरा नंबर भी आप नोट कर लें। कभी भी आपको मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जो कि लाइव और इंटरेक्टिव वन टू वन होता है, तो आप हमें कॉल करके हमसे ले सकते हैं। कोर्सेज की डिटेल भी वेबसाइट ipt.india.com पे मिल जाएगा। तो रात के 9:30 बजने वाले हैं और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ने वाले हैं जो कि हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी डेमो क्लासेस अरेंज डेमो क्लासेस जो है ट्राई कर सकते हैं। हम लोग फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो 2-3 क्लास आप डेमो लेके देखिए अगर आपको सच में एक्सेल पे एक्सपर्ट बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। तो हमारी आज की टॉपिक है पिवट टेबल, और पिवट टेबल में हम आपके पास साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुपिंग एंड कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे पिवट टेबल में, कि हम पिवट टेबल में कैसे ग्रुप कर सके, फिर हम कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो, तो पिवट टेबल में हमारी आज की जो कैलकुलेशंस है और आज की जो टॉपिक है वो है पिवट टेबल की कैलकुलेशंस, सॉरी कैलकुलेशंस एंड ग्रुपिंग। चलिए हम डेटा ओपन करते हैं अपना एक। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ पुनीत जी। हेलो हेलो, तो हाँ पुनीत जी सुन रहा हूँ। हेलो, ब्रेक हो रही है सर। ब्रेक नहीं हो रही थी, मैंने म्यूट कर दिया था बीच में। अभी ब्रेक हो रही है? नहीं, अभी कंटिन्यू है। हाँ, मैं बीच में म्यूट कर दिया था। अब हो रही है। हेलो, हाँ हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ आ रही है। ओके सर। तो पिवट टेबल में हम ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से पिवट टेबल में ग्रुप करेंगे और हमें ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है सर जी। तो पिवट टेबल में जैसे कि आपके साथ डेटा है और मैंने मान लीजिए इसको पिवट टेबल लगाया, पिवट टेबल लगाने के बाद एक नई फील्ड में ये आ गई और मान लीजिए कि मैंने डिपार्टमेंट ले लिया यहाँ पे और मैंने हेड काउंट समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे हेड काउंट भी ले लेते हैं। तो डिपार्टमेंट और हेड काउंट दो चीजें यहाँ पे हम ले चुके हैं। ठीक है सर। अब इसमें क्या है कि कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली वेंडर है, तो ये अलग अलग है क्योंकि इसमें हो सकता है 100 वेंडर तो 100 अलग अलग आएगा, एक दो बंदे उसमें होते हैं। तो मुझे क्या करना है कि इनको इकट्ठा एक जगह पे शो करना है और वहां पे नाम दिखना चाहिए वेंडर। ठीक है, कि नाम वहां पे दिखना चाहिए वेंडर और एक जगह पे शो होना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में सिंपल है कि आप जितने भी आपका वेंडर्स हैं उनको सिलेक्ट करिए, इकट्ठा है तो इकट्ठा सिलेक्ट कीजिए, अलग अलग है तो कंट्रोल का यूज कीजिए और कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कीजिए।
then right click and कीजिए group, ठीक है, क्या कीजिएगा, right click and group, group करते ही डेटा कुछ इस तरह से हो जाएगा और यहां पे देखिए group one आ गया। अब इस group one को आप अपने according नाम दे सकते हैं, तो बेसिकली group one है तो इसको मैं यहां पे दे देता हूं vendor, आ गया vendor, लेकिन मुझे दोनों नहीं रखना है एक रखना एक हटाना है। जैसे मैंने ग्रुप किया, आप यहां देखिए डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट टू, तो डिपार्टमेंट को मैं यहां से हटा देता हूं वापस और डिपार्टमेंट टू रखता हूं, तो देखिएगा कि यहां पे हमारा वेंडर ग्रुप हो गया। अगर मैं दोबारा दूसरी एग्जांपल देना चाहूं तो एक बार दूसरा एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं टैक्स ग्रुप की, तो हम मान लीजिए कि हमारे पास मंथ मंथली मार्क बताइए सिटी कर देते हैं, सबसे अच्छा सिटी है हमारे पास और सिटी का हमने बताया किस सिटी में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उसके लिए हमने नेम को रख दिया ताकि उसकी काउंट मिल सके। अब यहाँ पे देखिए कि दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव और फिर न्यू दिल्ली है, तो बेसिकली चारों जो है एक ही लोकेशन के हैं, नाम थोड़ा सा अलग अलग होता है, इसको हम लोग दिल्ली एंड एनसीआर करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे रिपोर्ट में चारों का डेटा एक जगह टोटल हो के आए, इस तरह से टुकड़ों में आएगा तो फिर हमें कंफ्यूजन और कंपेयरिंग में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम कंट्रोल पेस्ट करेंगे और हम जीजीएन नोएडा एंड दिल्ली तीनों को सिलेक्ट कर लिया और फिर इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और करेंगे ग्रुप। तो ये देखिए यहां पे ग्रुप वन और इसके नीचे चारों सिटी आ गए, तो आपको ऐसा रखना रखिए, लेकिन ग्रुप वन के जगह पे मैं कुछ अपना लिखना चाहता हूं तो यहां पे हम लिखेंगे कि दिल्ली एंड एनसीआर। और मैं पिवट टेबल में ये चीज हटाना चाहता हूं, जो चीज दिख रहा है ना आपको ये मैं हटाना चाहता हूं, तो यहां देखिए सिटी और सिटी टू है, सिटी टू को मैं यहां से सिटी को टू करता हूं, सिटी सिटी है सिर्फ उसको रिमूव कर देता हूं, तो आपके यहां दिख गया रिपोर्ट। जैकी जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, सो रहा है आपके बैकग्राउंड से। तो आदिल खान जी और पुनीत जी, हरीश जी, ये आपको समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर है। अब बात करते हैं, ये तो टेक्स्ट ग्रुप की बात हो गई, अब बात करते हैं नंबर ग्रुप की, कि नंबर को कैसे ग्रुप करें। जैसे कि यहां पे हमारी सैलरी है, बंदों की सैलरी है और मुझे मांगना यह है डेटा कि 20,000 से 30,000 वाले लोग सैलरी लेने वाले लोग कितने हैं, 30,000 से 40,000 स्लैब वाइज गया। तो मैंने सैलरी को उठाया और हमने रो में रख दिया, इससे क्या हुआ कि जितने भी सैलरीज हैं उसका टोटल यहां दिख गया। उसके बाद मैंने नेम को यहां पे रखा तो यहां आ गया, तो जितनी जितनी सैलरी थी उतना आया, लेकिन मुझे तो चाहिए स्लैब बिटवीन, ठीक है।
तो इस पे हम राइट क्लिक कीजिए एंड यहां देखिए मिनिमम और मैक्सिमम यहां पे ऑटोमेटिकली आपके डेटा के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, और यहां पे ग्रुप कितने का करना है, 10-10,000 का, 20-20,000 का, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तीनों में अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। देन ओके कीजिए, तो 20,000 से 29,000, 9,000 में 30,000 मान लीजिए, फिर 30,000, 40,000, 50,000 और इसके यहां पे काउंट आ गया। तो नंबर्स को इस तरह स्लैब वाइज ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ गए? हाँ जी। तो टेक्स्ट की ग्रुपिंग की, टेक्स्ट को कैसे ग्रुप करेंगे और नंबर ग्रुप करेंगे, ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं डेट की ग्रुपिंग। ठीक है, तो यहां पे डेटा में वापस आते हैं, इसमें क्या है, हायर डेट है। तो मुझसे पूछा गया कि मुझे बताओ किस महीने में कितनी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, तो यहां पे मंथ, अभी मान लीजिए मंथ नहीं, ये मंथ तो मैं ऐसे डाल दिया हुआ है लेकिन हटा देता है इसको, ये मंथ है। तो इसके लिए कैसे करें, तो इंसर्ट करते हैं और हम जाएंगे पिवट टेबल पे, एक नई पिवट टेबल यहां जनरेट करते हैं और यहां पे मैं अपनी जो डेट है उस डेट को यहां रखता हूं। तो डेट इस तरह से ग्रुप में ऑटोमेटिकली आ जाता है लेकिन हमेशा नहीं आएगा, मोस्टली टाइम पे क्या होता है क्योंकि मेरे इस डेटा ये बहुत बार ग्रुप कर चुका हूं इसलिए आ जाता है। तो मोस्टली जो इस तरह से डेट आएगा, इस तरह का जो डेट है ना, डेट आपको आएगा। उसके बाद हम नेम को उठाते हैं और नेम को रख देते हैं काउंट के फोल्डर में जहां हमें काउंट आए, लेकिन मुझे जो काउंट चाहिए वो चाहिए स्लैब के अकॉर्डिंग। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं एंड ग्रुप करते हैं। जब हम डेट की ग्रुपिंग करेंगे तो इसकी ये स्टार्ट डेट और इसका एंड डेट आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें आता है मंथ की ग्रुपिंग, किसके अकॉर्डिंग करना है, मंथ के अकॉर्डिंग करना है। ओके कीजिए, देखिए मंथ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर मंथ और अलग अलग ईयर है तो ग्रुप में आप मंथ और ईयर दोनों एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वार्टर भी चाहिए, आप चाहते हैं क्वार्टर के अकॉर्डिंग में करें तो राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप में जाइए, आप यहां क्वार्टर भी सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्शन आपने कंट्रोल दबा के किया है या सिर्फ सिंगल नॉर्मल क्लिक कीजिए हो जाता है, नॉर्मल क्लिक। ठीक है, ठीक है एंड ओके कीजिए, तो आपका मंथ एंड क्वार्टर दोनों। तो डेट की ग्रुपिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग में आपने पहले तो सीखा टेक्स्ट की ग्रुपिंग, की आप टेक्स्ट की ग्रुपिंग कैसे करें, फिर आपको मैंने बताया नंबर की ग्रुपिंग, की आप अपने नंबर की ग्रुपिंग कैसे करेंगे, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो है
डेट एंड टाइम की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग समझ में आ गई? कोई डाउट है तो पूछिए इसमें आप। अब ग्रुपिंग के बाद आता है कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन में हम बात करें, दो तरह की कैलकुलेशन होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने डिपार्टमेंट वाइज, यहां हमने फुल नेम दे दिया, तो मुझे यहां दिख गया किस डिपार्टमेंट में कितना से, राइट। अब मुझे इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन समझते हैं? कि आईटी कितना परसेंट इंप्लॉय होल्ड कर रहा है, सेल्स कितना परसेंट होल्ड कर रहा है, मतलब कि हर नंबर को मुझे 100 से डिवाइड करना है उसकी परसेंटेज के लिए। 100 से क्यों करना है? क्योंकि काउंट जो है वो 100 है, नीचे सब ग्रांड टोटल जो आपको दिख रहा है वो 100 है, तो हर किसी को हमें 100 से डिवाइड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम चाहेंगे तो यहां साइड में भी हम कर सकते हैं, लेकिन साइड में डिवाइड करने से प्रॉब्लम क्या होगा कि वो पिवट का पार्ट नहीं होगा। कल के डेट में अगर हम पिवट को चेंज करते हैं तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में हम यहां जो काउंट फुल नंबर होता है उस पर क्लिक कीजिए और वैल्यू फील्ड सेटिंग में चले जाइए। जहां भी आप उसे काउंट है, सम है, एवरेज है, ऐसी चीजें चेंज करते हैं, काउंट नहीं लेना है, सम लेना है, सम नहीं लेना है, एवरेज लेना है, यहां पर जाकर आप चेंज करते हैं, तो यही पे आप अपनी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या चाहिए आप। लेकिन इसी के बगल में आपको दिख रहा है सो वैल्यू एज, सो वैल्यू एज पे जाइए जहां पे नो कैलकुलेशन है। तो नो कैलकुलेशन पे आइए और यहां पे देखिए परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल दिख रहा है सर। तो परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल या कॉलम टोटल लीजिए एंड ओके कीजिए, आप देखिए कि आपका परसेंटेज आ गया। आ गया सर। उसके अलावा और भी चलते हैं इसमें, जैसे कॉलम टोटल करना आपको, तो सो वैल्यू एड में जाइए, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो कॉलम टोटल, तो कॉलम टोटल और ग्रांट टोटल में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस आपको ऐसे नहीं समझेगा, मैं सिटी को उठाता हूं और सिटी को उठा के यहां पे आ देता हूं। अब देखिए परसेंटेज ऑफ सब टोटल, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल तो इसके अकॉर्डिंग टोटल होगा, राइट। और परसेंटेज ऑफ रॉ टोटल मतलब कि इसके टोटल अकॉर्डिंग, मैं एक बार वैल्यू को नॉर्मल कर देता हूं, फील्ड वैल्यू जाके नो कैलकुलेशन करता हूं इस वजह से। तो परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल होगा कि 14 से हर किसी को डिवाइड करेगा, सॉरी 14 से हर किसी को डिवाइड करेगा। और परसेंटेज ऑफ रो टोटल मतलब हुआ कि ये 14 और ये 13 है ना, इसके अकॉर्डिंग डिवाइड चलेगा। और परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल मतलब इससे होगा, ठीक है। तो जब वैल्यू फील्ड में जाते हैं तो अगर आपने अगर यहां पे कैलकुलेशंस में परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल ले लिया तो यहां टोटल आता है, इसे सबको डिवाइड कर देगा। अगर परसेंटेज ऑफ रो टोटल लेते हो तो जो रो में वैल्यू आ रही है उससे डिवाइड कर देगा। अगर परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल लेते हो तो 100 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, ठीक है। उसको आगे बढ़ते कुछ और एग्जाम्पल पे। अब मान लीजिए मुझे इसी में से किसी एक के अकॉर्डिंग परसेंटेज करना है,
मैं सिटी हटा देता हूँ, मान लीजिए ना कि मेरा यहाँ पे जो आईटी है वो हमारा बजट है, ठीक है, बजट है मान लीजिए, तो मुझे 14 से बाकी सबको डिवाइड करना है ताकि पता चले कि अपने बजट के कितने बंदे लोगों को आपने हायर कर रखा है। तो इसके लिए आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाए, सो वैल्यू एज पे आए और नो कैलकुलेशन की जगह पे आप परसेंटेज ऑफ सिलेक्ट कर, और यहां पे किससे परसेंटेज करना है, तो बजट से सिलेक्ट कीजिए एंड ये आपको आ गया। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़े इसमें तो और भी चीजें हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में, इसमें आए तो इसमें आपको पेरेंट कॉलम टोटल, पेरेंट रो, डिफरेंसेस फ्रॉम परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस, रनिंग टोटल, रनिंग टोटल, रैंक स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, दिख रहा है आपको सर, ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि ये जो जितनी भी कैलकुलेशंस, कुछ कैलकुलेशंस तो मैंने आपको बता दी है, कुछ कैलकुलेशंस मैंने नहीं बताया, उसको आप नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशंस के ऊपर आप एक बार अपने हिसाब से चेक करें, जो कैलकुलेशन आप कर पाते ठीक है, जो नहीं कर पाते उसको डिस्कस करें, और जो चीजें मैंने कैलकुलेशन में बताई है ना, सबका एक एक एग्जाम्पल आप मुझे दें, आप अपने हिसाब से कोई डेटा चूज करें या छोटे सिंपल डेटा बना ले या यू क्वेरीज देख ले, तो हो जाएगा आप लोगों से, दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो आपसे कंफर्म कर लेंगे ना सर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो होगी आइटम की टोटल, अब बात करते हैं कॉलम की टोटल, कि कॉलम की टोटल हम कैसे करें। आप देख रहे हैं कि मेरे डेटा में सैलरी है, बोनस है एंड ओवरटाइम, राइट, इसमें टोटल नहीं है, और मैं डेटा में टोटल ऐड भी नहीं करना चाहता, मैंने पिवट टेबल लगाया और इस पे मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट रख दिया, और मैंने यहां पे सैलरी, मैंने यहां पे बोनस और ओवर टाइम तीन उठा कर रख देता हूं, रख दिया। अब मुझे यहां पे इन तीनों का सम आना चाहिए, समझे, तो हम मैनुअल नहीं करना चाहते क्योंकि मैनुअल करेंगे तो पिवट का पार्ट नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने एनालाइज ऊपर देखिए पिवट टेबल टूल्स दिखेगा, पिवट टेबल टूल्स में हम एनालाइज पे जाते हैं, और एनालाइज करने के बाद आप जो है यहां फिल आइटम सेट पे जाए, और यहां पे कैलकुलेटेड फिल आता है, क्या आता है, कैलकुलेटेड फिल। तो इस कैलकुलेटेड फिल पे क्लिक करें, और इसमें आप फील्ड नेम दें, इसे मैं यहां पे देना चाहता हूं टोटल, और फिर यहां पे हम जो है सैलरी को इंसर्ट करते हैं प्लस, बोनस को इंसर्ट करते हैं प्लस, एंड ओवरटाइम को इंसर्ट करते हैं, और फिर यहां से इसको ऐड कर देते हैं एंड ओके, टोटल आ गया। इसी तरह से कुछ और करना है तो आप एनालाइज के अंदर कैलकुलेटर फील्ड में अगेन जाए, और मैं समय मुझे टैक्स निकालना है, तो टैक्स क्या निकालना है, टोटल का 15%,
तो यहां से मैंने टोटल को इंसर्ट किया और मल्टीप्लाई बाय 15% लिख के ऐड कर दिया एंड ओके आ गया। तो इसी तरह से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हैं इसी तरीके से आप, ठीक है। इसमें फॉर्मूले का एक यूज करके दिखा सकते हैं सुजीत जी, जैसे कोई फॉर्मूला हम इसमें यूज फॉर्मूला यूज, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो आपका टैक्स दिख रहा है ये टैक्स जो है ये नहीं है बल्कि राउंड नहीं, ठीक है। इसमें क्या है कि राउंड नहीं, आप चाहते कि मेरा जो यहाँ पे निकले और राउंडेड हो गया, समझ गया। तो उसके उसके लिए क्या करेंगे इसके लिए, जैसे मैं यहां पे लिख दिया आर टैक्स, और यहां पे मैंने फॉर्मा लगाया जैसे राउंड का भी है लेकिन मैं यहां पे इंट का ले देता हूं इंटीजर में, और फिर लास्ट में हमारा टैक्स को इंसर्ट करके इसको क्लोज कर दिया और एंड, ठीक है। अब इंटीजर लगा हाँ, आज भी चलते हैं इसमें बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जैसे इफ वगैरह भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी हमने फॉर्मूला सिखा नहीं है तो उसको बीच में थोड़ा सा हम होल्ड करते हैं। तो अभी आप क्या करें, कैलकुलेशंस के जो हमने आइटम कैलकुलेशन है और हमने जो फिल कैलकुलेशन दोनों कैलकुलेशन बताई है, इन दोनों कैलकुलेशन का मुझे तकरीबन 10-10 एग्जांपल लगा के मुझे मेल करें, फिर कल मैं आपसे रहने से वाला हाँ